औलाद को तब तक बच्चा ही समझते हैं जब तक वो अपने बड़े होने का सबूत ना दे। और जीवन के जंग में कभी कभी अपनों के खिलाफ भी लड़ना पड़ता है। अब हम समझाएंगे उन लोगों को मतलब। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। झूठ बोलकर ये इंश्योर करने गए थे कि डॉक्यूमेंट्स उन लोगों तक ना पहुंचे। जीजू की इस हालत के लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं। या तो उन्हें गोली मारने का आज्ञा दीजिए नहीं तो हमें गोली मारेगा। सुजीत बाबू, किसी को इतना सर पे मत चढ़ाइए कि वो आपको अपना गुलाम बना ले। अब आप कुछ नहीं करेंगे और न किसी को कुछ करने देंगे। ये ओम शंकर का आदेश है। पता नहीं कहाँ चले गए थे ये नाना। जब भी आते हैं घंटों गायब रहते हैं। होश नहीं रहता तो पीते क्यों हैं? मोहन चाचा बता रहे थे कि बाहर बाबूजी के साथ जीजू की कुछ कहा सुनी हुई है। क्या कहा सुनी हुई? वो तो पता नहीं पर कुछ तो जरूर हुआ है। काकुल, आजकल तेरे जीजू का एक ही प्रॉब्लम है, तू, तेरा घर, तेरी जिंदगी। कहीं इसी बात को लेकर पिताजी के साथ बहस तो नहीं हुई होगी ना? भाव साहब रोना सर, आई एम सर, ना सर वाकिफ है उन लोगों की। फोड़ देंगे, एक एक को फोड़ रहे हैं हम। काकुल का जिंदगी बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट। देखिए, सुनिए। नेक्स्ट। काकुल ठीक है, सो जाइए। पापा, मुझे भी पूना के लिए निकलना होगा। क्यों भाई, नाराज हो मुझसे? इसीलिए इतनी जल्दी जाने की बात कर रहा हूँ? नाराजगी किस बात की? नहीं पापा, अस्पताल में काफी सारा काम रुका हुआ है, फिर मेरा इंटरव्यू भी है, सो आई हैव टू लीव। आई अंडरस्टैंड, लेकिन एक दिन रुक जाते तो अच्छा था। वो क्या है कि कौशल्या भाभी ने देविका के रिश्ते की जो बात चलाई है ना, तो वो लोग कल मिलने आ रहे हैं। अब भाई हो तुम, रहना तो तुम्हारा भी जरूरी है। पापा, अगर मैं रुक सकता तो मैं जरूर रुक जाता, आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बट आई हैव टू गो। वैसे भी आप लोग हैं यहाँ पर, और बात अगर आगे बढ़ेगी तब मैं मिल लूंगा। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। एक बेटा घर छोड़कर चला गया, दूसरा इतनी दूर रहता है। काश तुम भी यहीं रहते हम सबके साथ मिलके। यहाँ अगर कोई अच्छा काम मिल जाएगा तो मैं जरूर शिफ्ट हो जाऊंगा। इनफैक्ट वो इंटरव्यू भी इसी कोशिश में है। भले ही बिजनेस में साथ मत दो तुम मेरा, लेकिन यहाँ रहोगे तो हिम्मत बढ़ जाएगी मेरी। कभी कभी बहुत अकेला सा महसूस होता है। मॉर्निंग पापा। मॉर्निंग बेटा। शरद, कहाँ जा रहे हो? बस यही कुछ। बैठो, जल्दी में आओ। नहीं तो बैठो। पापा, व्हाई डोंट यू, आप शरद को क्यों नहीं जोड़ लेते अपने साथ बिजनेस में? मैं और बिजनेस? नो बड़े भैया, बिजनेस इज नॉट माई कप ऑफ टी। मैं तो अमेरिका में सेटल होना चाहता हूँ, एंड दैट्स माई ड्रीम। माँ, व्हाट अ ड्रीम, व्हाट अ ड्रीम। अमेरिका जाएंगे, झाड़ू लगाएंगे एयरपोर्ट पे, टैक्सी चलाएंगे, बर्गर्स बेचेंगे, लेकिन फैमिली का बिजनेस नहीं ज्वाइन करेंगे। तो ये है जी, आज की नई जनरेशन आपके सामने, इनके सारे सपने घर और मुल्क से बाहर ही पूरे होते हैं। एक्सक्यूज मी, इससे भी कोई उम्मीद नहीं है मुझे। ये भी हम सब का दिल दुखाएगा सम्मान की तरह।
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पापा। एक्चुअली पता नहीं कहीं जा रहा होगा और मैंने भी यूं अचानक से बात छेड़ दी। आई शुड हैव हैड बीन मोर टैक्टफुल। जान लीजिए, बच्चा है, आई एम श्योर समझ जाएगा। हाँ, बच्चा है और इस बच्चे ने अपना फ्यूचर भी तय कर लिया है अमेरिका में। एक्चुअली यही तो बेवकूफ़ी करते हैं माँ बाप, औलाद को तब तक बच्चा ही समझते हैं जब तक वो अपने बड़े होने का सबूत ना दे दे, जैसे सम्मान ने किया। बट आई एम श्योर तुम कभी ऐसा नहीं करोगे, कभी धोखा नहीं दोगे हमें, इतना तो पहचानता हूँ तुम्हें। सम्मान, अब तक तो तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने तुम्हें कहा था वो कॉन्ट्रैक्ट अमरनाथ को मिल गया है। सम्मान, मैंने तो ये सोचा था कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करोगे, मगर अफसोस तुमने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए जाकर तुम मिस्टर भाटिया को मिला है। सम्मान, दिस इज द फर्स्ट टाइम, पहली बार हुआ है ये मेरे साथ कि मैंने कुछ चाहा और वो मुझे नहीं मिला, क्योंकि वो काम मैंने किसी और के जिम्मे सौंप दिया। आर यू ब्लेमिंग मी? ये कहना चाह रहे ना आप कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने जानबूझकर छोड़ दिया क्योंकि पापा भी उसके लिए ट्राई कर रहे थे? सम्मान, तुम बहुत जल्दी बुरा मान जाते हो। मैं समझता हूं सम्मान कि तुम पर क्या बीत रही होगी, पर सम्मान यही जिंदगी है और जीवन के जंग में कभी कभी अपनों के खिलाफ भी लड़ना पड़ता है। और ये आज की बात नहीं, अगर तुमने गीता पढ़ी होगी तो तुम्हें भी पता होगा मेरा तुम्हारा छोटा बड़ा अपना पराया सब कुछ अपने मन से निकाल दो तो सब तुम्हारे होंगे और तुम सबके। नहीं सम्मान, मैं तुम्हें कोई ज्ञान नहीं दे रहा और ना ही मैं ये कह रहा हूं कि अपने पापा के फायदे के लिए तुमने मेरा नुकसान करवाया। सम्मान, मैं तो यही कह रहा हूं कि एक ही फील्ड में काम करते हुए कल को तुम्हारे पापा, तुम्हारा भाई या फिर तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार अगर तुम्हारे सामने मैदान में है तो तुम्हें सारे रिश्तों को भूलना होगा, अपने मकसद और अपने सपने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि बिजनेस में इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं सम्मान, कोई जगह नहीं। तो फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? आई हैव बिग एम्बिशंस नेहा, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, मेरे भी कुछ सपने हैं। अगर मैंने एक बार पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया तो जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम इंडिपेंडेंटली कुछ करना चाहते हो, पर शरद, फैमिली बिजनेस ज्वाइन करके भी तो तुम अपने आप को प्रूव कर सकते हो ना। एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म है तुम्हारे सामने, बाहर जाकर फाइनेंस अरेंज करने की भी जरूरत नहीं। नेहा, दूर बैठकर ये सब कहना बहुत आसान है, लेकिन अगर यही तुम्हारे साथ होता तो तुम भी यही करती। You're wrong, शरद। मैं फैमिली बिजनेस ज्वाइन करती, वहाँ एक्सपीरियंस गेन करती और फिर कुछ और सोचती। एंड आई फील तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, आफ्टर ऑल तुम्हारे पापा की कंपनी है और तुम्हारे सपोर्ट और गाइडेंस के लिए वो है ना तुम्हारे साथ। अरे कितना बड़ा एडवांटेज है। एडवांटेज हर वक्त पापा की आंखों के सामने रहो और उनकी डांट खाते रहो, एडवांटेज। अगर तुम सही हो तो डांट क्यों मिलेगी तुम्हें? और फिर ये भी तो सोचो ना, अंकल तुमसे उम्मीद नहीं रखेंगे तो और किससे रखेंगे? सम्मान भैया तो अलग हो गए एंड ऋषभ भैया कांट जॉइन द बिजनेस, एक तुम ही तो हो जिससे कॉफी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई ना आज। और किस तरीके से बात कर रहे थे तुम मुझसे? आई वाज सो वरीड अबाउट यू, इसीलिए मैंने फोन किया ना कि तुम पटना गए हो, जिस काम के लिए गए थे वो हुआ कि नहीं हुआ, और तुम किस तरह से जवाब दे रहे थे मुझे, पता नहीं क्या बोल रहे थे, सड़क में घूम रहा हूँ भैंस। अरे क्या बोलता मैं तुमको उस वक्त? मैं ये बोलता कि पापा ने गुस्सा होकर मुझे गाड़ी से निकाल दिया बाहर और मैं सड़क पे भटक रहा हूँ। क्या? अब
पापा ने तुम्हें सॉरी, लेकिन उस वक्त जो है पापा ने मुझे और सम्मान दोनों को गाड़ी से उतार दिया। गुस्से हो गए वो हम पे, हमसे कहा उतर जाओ गाड़ी से, और गाड़ी लेके खुद आगे चले गए। हम लोग वीराने में भटक रहे हैं, वहाँ गाय भैंस आसपास हमारे माय गॉड। एनीवे आई हैव सम गुड न्यूज़ फॉर यू। तो जल्दी बताओ ना, मुंबई की नौकरी पक्की हो गई। वैसे अगर एक तरीके से सोचा जाए तो ये गुड न्यूज है, लेकिन क्या? लेकिन क्या ऋषभ? मुंबई की नौकरी का मतलब है कि हमें मुंबई शिफ्ट होना पड़ेगा। या ऑब्वियसली मुंबई की नौकरी है तो मुंबई शिफ्ट होना पड़ेगा। आप चाहिए इतना सब कुछ हुआ, लेकिन हमको तुमने कुछ नहीं बताया। हमको खुश रखने के लिए हमसे झूठ कहा। सम्मान के घर में तुम खुश हो, सबने तुमको स्वीकार कर ली, सब तुमसे प्यार करते। ऐसा नहीं है कि पहले पता चल जाता तो दुख कम होता, लेकिन इतने दिनों तक जिस भरोसे हम जीते रहे उसके टूटने का दुख, इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकते हो जी। इसीलिए तो हमने आपसे सच छुपा कर रखा, क्योंकि मन में एक उम्मीद सी बंधी थी। घर वालों का नाराज होना तो स्वाभाविक था, हम उनका दिल जीत लेंगे ऐसा भरोसा था हम, लेकिन हम नहीं जानते थे कि आशा की डोर ही एक तिनके से बंधी हुई है। और जब हमें सच पता चला, आपसे कहने का साहस ही नहीं जुटा पाया। बहुत आसान है हमारे लिए बड़ी बड़ी समस्याओं को चुटकियों में हल करना, लेकिन जब अपनी बिटिया की जिंदगी का सवाल आया तो हम लाचार हो गए। बेबस है मेरी बच्ची। जब हाथ में कुछ नहीं है तो दिल को दुखाने का क्या फायदा बाबूजी? हम किस्मत तो नहीं बदल सकते ना? बदल सकते, लेकिन तुम तो अपनी जिंदगी की लड़ाई खुद ही लड़ती रही, झूठ की जिंदगी जीती रही, और हमें अंधेरे में और हम दुनिया घूमते रहे, लोगों का दुख दर्द बांटते रहे, और हमें पता है कि हमारी बच्ची। हम जानते हैं बाज, हमसे भूल हुई है जो हम आपसे सच छुपाते रहे, मगर बाबूजी अब ऐसी नादानी कभी नहीं होगी। आपकी सलाह आपकी इजाजत के बिना कोई कदम नहीं उठाएंगे। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे, कोई मौका नहीं देंगे। हमारे किए की कोई माफी नहीं, हमने बहुत दुख दिए आपको बाबूजी, फिर भी हो सके तो हमें माफ कर दीजिए।
हमें माफ कर दीजिएगा। ए हरिया, काकुल को देखा है क्या? बाबू साहब मैं तो नहीं देखा। आए? ए बिरजू, हाँ काकुल को देखा क्या? नहीं बाबू साहब मैंने नहीं देखा। काकुल, अरे त्रिशा बेटा, बेटा तुमने काकुल को देखा? क्यों, घर पर नहीं है वो? अरे वही तो पूछ रहा हूँ कि कहाँ है वो। पिताजी अपने कमरे में होगी, आपने वहां देखा? हाँ कमरे में। करो करो काम करो। काकुल, काकुल ये लो, यहाँ सो रही हो, हम पूरे घर में तुमको खोज रहे हैं। अरे इतना जल्दी सो गई क्या? अरे भाई गलती हो गई, माफ कर दो। अरे सो सो। सोचा बिटिया के साथ बैठ के बात कर लूं। आइए ना बैठे। तुम्हारे ही बारे में सोच रहा। हम जानते हैं बाबूजी, आपको बहुत सारी परेशानियां दे दी है हमने। माँ बाप को तो अपने औलाद की चिंता होती है, और हमको तो बाप के साथ माँ का फर्ज भी पूरा करना है। शायद इससे पहले हम तुमसे इस तरह से बात नहीं किए। आवश्यकता ही नहीं पड़ी, मगर आज जरूरत है। बेटा शादी ब्याह एक संयोग है, उसका जुड़ना भी और उसका टूटना। अगर तुम अपने ससुराल से अकेले आई होती ना, तो हमको तुम्हारे भविष्य का इतना फिक्र नहीं होता। लेकिन जब तुम्हारे आने वाले बच्चे के बारे में सोचता हूं ना, तो बेचैन हो जाते हैं। बच्चा पालना आसान नहीं है, और बच्चा जब दुनिया में आ जाए और उसको उसके अधिकार से दूर रखना गुनाह है। बाप के होते हुए बच्चा बिना बाप के जिए, ये बचपन के साथ अन्याय है बेटा। कल जब तुम्हारा बेटा बड़ा होगा और वो अपने बाप के बारे में सवाल करेगा, तो उसका तुम क्या जवाब दोगे? सच जीवन भर नहीं छुपाया जा सकता है, खासकर ऐसा सच। दुनिया का सामना करना उतना मुश्किल नहीं है, जितना अपनी आंखों में पलते हुए सवाल का जवाब। हम कोई फैसला नहीं सुना रहे, हम बस इतना कह रहे हैं कि कोई भी फैसला लेने के पहले इन सारी बातों पे अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। हम जानते हैं बाबूजी आप क्या कहना चाहते हैं, पर आपने तो खुद देखा है बाबूजी, सब कुछ खत्म हो चुका है। वो रिश्ता, वो घर,
हमारा सपना सब तबाह हो चुका है। हम अपनी बेटी की जिंदगी इतनी आसानी से तबाह नहीं होने देंगे। अब हम समझाएंगे उन लोगों को मतलब। अपनी मर्जी से यहां आए हो या किसी ने कहा इसलिए आए हो? मैं तो अपनी मर्जी से आया था। अगर जबरदस्ती आए हो तो वापस चले जाओ। अब तलाक लेने में देर तो करना नहीं है। साइन करो। जीजू साइन तो तुम्हें करना पड़ेगा काकुल।